450 साल पहले ही कोरोना की भविष्यवाणी हो चुकी थी। इस किताब में लिखा है 2020 में होगी बर्बादी। नमस्कार दोस्तों, चीन से निकला जानलेवा कोरोना ने अब पूरी दुनिया को जकड़ लिया है और अब तक 5 लाख से ज्यादा इसके पॉजिटिव केस आ चुके हैं। वहीं इस खतरनाक बीमारी के कारण लगभग 20,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जानकारी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। दरअसल फ्रांस के महान ज्योतिषी और भविष्यवाणी के वक्ता नसत्रे दम्स ने कहा था कि साल 2020 में एक महामारी दुनिया को अपने चपेट में ले लेगी। इसके साथ ही उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया था कि साल 2020 के अंत तक तृतीय विश्व युद्ध हो सकता है और दुनिया भर के देश आपस में लड़कर अपनी बर्बादी का कारण बनेंगे। इस प्रकार नसत्रे दम्स साल 2020 को बर्बादी का साल बताया था जिसकी शुरुआत अब हो चुकी है। इसके अलावा एक और जानकार डीन कॉटेस ने भी अपनी किताब में इस बात का उल्लेख किया था कि समुद्र के किनारे बसे एक शहर से एक वायरस फैलेगा। हालांकि चीन का वुहान शहर भी एक नदी के किनारे ही बसा है जहां से कोरोना की शुरुआत हुई है। कई रिसर्चर्स भी ऐसा बताते हैं कि नसत्रे दम्स द्वारा किए गए अब तक की ज्यादातर भविष्यवाणी सच हो चुकी है। बीते साल ऑस्ट्रेलिया और अमेजन के जंगलों में जो आग लगी और उससे तबाही हुई थी उसके भी कई सूत्र किताब में मिले थे जो सच हुए। यानी कि कोरोना पर नसत्रे दम्स की किताब सच साबित हुई है जो अब दुनिया में तबाही मचा रही है। हालांकि इसके उपाय और इसके लड़ने की कोई तरकीब नहीं बताई गई है, लेकिन ऐसा जरूर कहा गया है कि ये सभी आपदाएं कुछ ही दिनों में समाप्त भी हो जाएंगी और लोगों का जनजीवन सहज हो जाएगा। लेकिन इसके लिए कई लाख लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा और ऐसा ही देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।